वाओ मैन, यहाँ पर भी आना चाहिए यार सब लोगों को। आपको मैं बता रहा हूँ कैसे कैसा रूट है, मैं गूगल मैप्स भी डाल दूंगा आपको और ये भी बता दूंगा कि कितना किलोमीटर है और क्या है, कैसे आना है आपको। मैं जाते वक्त भी रोड दिखा दूंगा। तो ये आपको जाते जाते आपको मिल जाएगा JNPT, जो आपको थाने से मैं जा रहा था तो थाने से ज़्यादा दूर नहीं है, लाइक 50-60 किलोमीटर के अंदर ये बीच है, उरान बीच। तो मैंने सोचा कि जाना चाहिए, हम लोग को जाके देखना चाहिए कैसा है, आप लोगों को भी बताना चाहिए। तो चलिए दिखाते हैं। और ये पूरा JNPT है जैसे कि आपको पता है, एंड इट्स अ वेरी 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 गुड रोड, कोई खड्डा नहीं कुछ नहीं। तो यही मैं एक सीरीज बना रहा हूँ, लाइक 50 किलोमीटर्स के अंदर क्या क्या प्लेसेस है। लाइक जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे मैं गूगल पर टाइप करता हूँ तो वहाँ पर हमेशा लिखी, मतलब 50 किलोमीटर्स के अंदर कौन सा प्लेस है टू विजिट वन डे ट्रिप, ऐसा कोई भी नहीं आता। वहाँ पर आता है कि डायरेक्ट मतलब वन नाइट स्टे, टू नाइट स्टे, जो भी ऐसा स्टे वाला ही आता है। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में हम लोग को वीडियो बनानी चाहिए कि 50 किलोमीटर्स के अंदर क्या क्या है, तो बस इसके ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके से एंगल से वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो जैसे ही आपने कंप्लीट किया JNPT तो आपको ये रोड मिल जाएगा, ये अंदर का रोड, और ये डायरेक्ट लेके जाएगा आपको बीच पर। और ये रहा हम लोगों का उरान सिटी, तो यहीं से आपको अंदर रोड मिल जाएगा। उरान नागाव बीच, तो यहाँ से मुझे VTV दिख रहा है, VTV मतलब CSTM हम लोगों का। ओहो, ओ पास में एकदम चल के जा सकते हैं पानी के ऊपर से, ऐसा लग रहा है मेरे को, लेकिन दैट इज़ नॉट अ गुड चॉइस। आपको दिख रहा होगा कि पता नहीं, ये पूरा VTV दिख रहा है मुझे, जूम करते हैं। आपको दिख रहा है, मस्त, क्या बात है, लेकिन क्या बात है, मज़ा आ गया, ये कुछ अलग है। हम लोग ने ट्राई किया, मैंने सोचा कि चलो इधर भी जाना चाहिए हम लोगों को। आ गए हम लोग हमेशा जैसा, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि अभी से वीडियो आएंगी, अभी से सब फिक्स हो गया, टाइमिंग वगैरह सब कुछ रेडी है, अभी से वीडियोज़ आएंगे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे लाइक दिस। और जैसे मैंने बताया था, मैं आपको सब बताने वाला हूँ, हाउ टू कम हियर, लाइक कितना किलोमीटर है, क्या है आपको यहाँ पर, क्या क्या मिल सकता है, आप लोगों को यहाँ पर आना चाहिए नहीं आना चाहिए या जो भी करना चाहिए। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एज़ मैंने पहले ही बताया था, आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और भी आना चाहिए यार सब लोगों को। यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि जो लोग इंस्टाग्रामर है या फिर ऐसा सोशल मीडिया के लिए फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं, यहाँ पर ज़रूर आए, फ़ोटोज़ आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। एंड खाली मिलेगा मेन तो वो है, क्योंकि वैसे भी कहीं भी हम लोगों को फ़ोटोज़ मिलता नहीं है, जैसे आप लोगों को पता है। मैं बीच के बारे में अगर बताऊँ ना, तो ये जो बीच दिख रहा है आपको यहाँ पर, आपको जूम करता हूँ थोड़ा, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये ना जो क्या बोलते हैं, जो वाटर है वो मुझे नहीं लगता है कि मतलब नहाने के जैसा है, वाटर नहाने जितना तो नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग आके ऐसे बैठ वगैरह सकते हो ज़रूर, लेकिन नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये ONGC का पूरा फार्म है, तो पूरा ऑयल एंड ऑल इसकी वजह से ना, और मुझे ना बीच बीच में ऑयल का ऐसा स्मेल भी आ रहा है, मैं वही नोटिस कर रहा था, लेकिन अच्छा है, नाइस। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ऐसा है, यहाँ पर ऐसा कैफ़े वगैरह है, अगर आप लोग कुछ खाना चाहो तो ये सब आके खा सकते हो यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर एक चाइनीज़ का शॉप भी देखा, दार्जिलिंग मोमोज़ वाला यहाँ पर है इसके अंदर, तो ये सब चीज़ें हैं बहुत सारे, आप लोग थोड़े बहुत आ सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप लोग बीच पे आके जो नहाना वाला सीन बोल रहे थे नहीं कर सकते लाइक दिस। यहाँ पर आप देख सकते हो, इधर है ये जो है, इतना सही अब कब मिलेगा पार्ट, लेकिन वो भी इतना क्लीन वगैरह नहीं है, लेकिन इट्स ए गुड प्लेस। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको बताया था नवापुर, वहाँ पर पूरा कचरा था, दिस इज़ नॉट, यहाँ पर कचरा नहीं है, दिस इज़ नाइस। तो आप उतर सकते हो, यहाँ पर खड़े हो सकते हो अच्छे से, इधर तक जा सकते हो आप लोग नीचे तक, इट्स अ नाइस प्लेस। तो मैंने यहाँ पर एक देखा शॉप लाइक रेस्टोरेंट छोटा सा, तो वहाँ पर मैंने मंगा लिया अभी थोड़ा चिकन चिली वगैरह मंगा लिया है, लेट्स सी खा के देखते हैं कैसा लग रहा है, वैसे अच्छा ही लग रहा है तो लेट्स सी। और मोमोज वगैरह भी है, अगले शाम को आओगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, हम लोग भी वेट कर रहे हैं थोड़ा सन डाउन हो जाए, तो हम लोग थोड़ा बहुत घूमें आपको अंदर लेके चलता हूँ।
लोग अगर आ रहे हो तो यहाँ पर आके खा सकते हो, इट्स नाइस प्लेस। और यही है यहाँ पर। तो ये बीच है ना, बीच जैसा नहीं बोल सकते हम लोग, इधर जाके उतर नहीं सकते, उतर सकते हैं लेकिन ONGC का पानी मिक्स है तो ब्लैक आपको वाटर मिलेगा, तो इधर नहाना तो दूर की बात है। आप लोग आके बैठ सकते हो, बहुत अच्छा प्लेस है। अगर आप बारिश के टाइम आ रहे हो तो एनी टाइम आ सकते हो, अगर आप लोग विंटर के टाइम आ रहे हो तो एनी टाइम आ सकते हो, अगर आप लोग समर के टाइम आ रहे हो या गर्मी के टाइम आ रहे हो लाइक, तो आप लोग दोपहर को मत आओ, नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि आप लोग पागल हो जाओगे और मर जाओगे गर्मी में। तो शाम के टाइम में, क्योंकि कोई भी शेड नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, मतलब एक दुकान भी अगर शेड का मिल गया तो बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर आजू बाजू आपको छोटा मोटा रेस्टोरेंट मिल जाएगा जो आप लोग बैठ सकते हो अंदर, लेकिन कितना टाइम आप लोग बैठोगे, अगर आप लोग को बीच में मज़ा करना है तो आओ आफ्टर 4 या आफ्टर 5 या तो आप लोग आओ विंटर्स में। तो बस, तो यही था बीच का ये, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा, न्यू एक्सपीरियंस, तो ये करना चाहिए था हम लोगों को। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। यही था और न्यू वीडियोस बना रहा हूँ एंड हर वीक आएगा ये वीडियोस, ये तो पक्की बात है।